टूनी एक जंगल में रहा करती थी। एक दिन उसकी सभी सहेलियां उसके पास एक नई खबर लेकर आई। लूसी ने कहा, सुनो टूनी, जो अपने दोस्त बादल है ना? हाँ है ना, पर हुआ क्या है? कहा कि उनकी अब दुष्ट बादलों के साथ भिड़ंत होने वाली है। इसका मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच भीषण घर्षण होगी। इसीलिए बादलों ने हमसे कहा है कि हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। पर दोस्तों, हम किसी भी सुरक्षित जगह कैसे जा सकते हैं? बादल तो हर जगह छाए होंगे ना? ऐसे में हम जहाँ भी जाए बरसात से नहीं बच सकते। क्यों ना हम उन्हीं से जाकर इसका कोई हल पूछें? हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। यूं तय कर सभी सहेलियां बादल से हल पूछने के लिए चली गई। उन सभी पक्षियों को एक साथ देख बादल ने उनसे पूछा, क्या बात है दोस्तों, क्या कोई समस्या आन पड़ी है? हाँ दोस्त, दरअसल कुछ समय पहले तुमने जो बात बताई, हम उसी विषय में बात करने आए हैं। तब बहुत सोच विचार करने के बाद बादल ने उनसे कहा, तो एक काम करना, तुम सब हमारे अंदर ही आ जाना। मेरा मतलब है, हमारे अंदर ही तुम सब निवास कर सकते हो। क्या कहा, हम सब बादलों के अंदर अपने घर बना कर रह ले? वैसे ये सुनने में अजीब तो बड़ा है, पर ये इतना अनोखा है, सोच कर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये वास्तविक में हो सकता है? ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। एक एक बादल के अंदर छिपकर रह सकते हो जब तक बरसात थम नहीं जाती। हाँ हाँ दोस्त, जरूर हम ऐसा ही करेंगे, तुम्हारा बहुत आभार। तब कौवे ने कहा, मुझे नहीं लगता ये संभव है। हवा के चलने पर बादल अपनी जगह बदल देती हैं। इतनी ऊंचाई से अगर हम नीचे गिर गए तो हम सब अपनी जान खो देंगे। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी। ना जाने क्यों मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी पहाड़ी इलाके में छुप जाती हूँ, मैं तुम सबके साथ नहीं चलूंगी। चीचू के सभी सहेलियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर चीचू ने उनकी एक न मानी और वहाँ से चली गई। लगता है इन सबकी मति मारी गई है, बुद्धिहीनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। ये सोचकर चीचू वहाँ से चली गई। सभी पक्षियों ने बादल से कहा, दोस्त हम जानते हैं कि तुम हमारी भले की ही सोच रही हो, इसीलिए हमें किसी बात का कोई डर नहीं। तुम चीचू की बातों को दिल पर मत लेना, हम सब जरूर तुम्हारे यहाँ निवास करने आएंगे। यूं सभी पक्षियों ने बादल पर अपना विश्वास जताया। फिर वे सभी वहाँ से चले गए। फिर श्वेत बादल यानी अच्छे बादल और काले बादल यानी दुष्ट बादल के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। वे सभी पक्षियाँ अलग अलग बादलों में अपना निवास स्थान बनाए रहने लगे थे। उन दोनों बादलों के बीच जोर की टकरार के बाद बिजली कड़कने लगी। उस समय चीचू कौवा बौखला गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो तुरंत उड़ती हुई पहाड़ी इलाके पर चली गई, पर वहाँ पर जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हाय, मेरे सहेलियों ने मुझसे पहले ही कहा था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। तभी उसकी नजर उन बादलों पर पड़ी जिनमें उसकी सहेलियां बैठी हुई थी। उन्हें देखकर चीचू और जोर से रोने लगी, दोस्तों मुझे बचा लो, दोस्तों मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। यूं अपने सहेलियों को आवाज देने लगी, हे भगवान, हमारी सहेली चीचू वहाँ फंसी हुई है, हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। तब बादल ने टूनी से कहा, दोस्त अब बहुत देर हो चुकी है, अगर इस समय हम चीचू को बचाने की कोशिश करेंगे तब दुष्ट बादल इस मौके का फायदा उठाएंगे और जानबूझकर बिजली चीचू पर कड़काएंगे। अब चीचू के बारे में सोचना बंद कर दो। वे चीचू की हालत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। इतने में तेज बिजली कड़कने लगी, जिसके तीव्र ध्वनि को चीचू बर्दाश्त न कर पाई और उसने अपनी जान खो दी। हे भगवान, अगर सही समय पर उसने अपनी बात मान ली होती तो ये न होता। ये सोचकर दुखी हो रहे थे। दूसरी ओर बादलों के बीच घर्षणा जारी थी।
लगातार 4 दिनों तक ये चलता रहा। इस भिड़ंत में श्वेत बादलों को ही जीत हासिल हुई। तुरंत सभी पक्षियां बादलों से निकलकर अपनी सहेली चीचू के पास आए। लगातार 4 दिनों से बरसात में भीगकर चीचू कवा के शरीर से बदबू आने लगी थी। उन सभी ने सोचा चीचू कवा का वे अंतिम संस्कार करेंगे, फिर वे सभी अपने अपने घर लौटे। वे सभी पक्षी अपनी मरी हुई चीचू कवा को ही याद कर रहे थे। वे सभी जब भी मिलते यही बात किया करते कि अगर चीचू ने सही समय पर उनकी बात सुन ली होती तो आज वो हम सबके बीच जिंदा होती। पर उसके अविश्वास स्वभाव ने ही आज उसकी जान ले ली। ये सोचकर वे सभी बहुत दुखी होते।